चितरंजन शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चिरेका द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर आसनसोल नगर निगम मेयर सह बारावनी विधायक विधान उपाध्याय ने बुधवार को चिरेका जीएम से बैठक की, जहां पर उन्होंने रेलवे प्रशासन ने आगामी 26 सितंबर को चितरंजन शहर के अमलदाही बाजार में लगे 150 दुकानों को तोड़ने का अभियान को दुर्गा पूजा तक स्थगित करने की अपील किया। मेयर ने बताया कि चिरेका जीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह इस मामले में रेलवे बोर्ड से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वे लोगों की समस्या को समझ रहे हैं, सभी को रेलवे अथॉरिटी को सभी नियमों का पालन करते हुए आवेदन दी। वही 26 सितंबर को चिरेका के अभियान से भयभीत अवैध दुकानदारों ने अपना दुकान भी खाली करना शुरू कर दिया था। हालांकि मेयर के मुलाकात के बाद ऐसा माना जा रहा है कि समय मिल सकता है। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष मोहम्मद अरमान, श्रमिक नेता इंद्रजीत सिंह, तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक उपाध्यक्ष भोला सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।